अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कई मुठभेड़ ऐसे हाल में हुए हैं जिसमें वांछित अपराधियों को पकड़ा गया है। जी हाँ, एक गाजियाबाद की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। देखिए पूरी खबर क्या है। यूपी में अपराधियों को लंगड़ा बनाने की कार्रवाई जारी है। बदमाश अपराध नहीं छोड़ेंगे तो हश्र भी ऐसा ही होगा। पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से सामने आई हैं। बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ की पहली घटना ग्रेटर नोएडा में हुई। सुंदर भाटी गैंग से जुड़े सुमित नाम के इस बदमाश का पुलिस जब पीछा कर रही थी तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश सुमित पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। वहीं कई कंपनियों से वसूली का भी इस पर आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। वहीं शाम होते होते गाजियाबाद से भी एनकाउंटर की खबर सामने। यहां साहिबाबाद इलाके में चेकिंग के दौरान एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश हुई जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। यहां भी बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर लंगड़ा बना दिया। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा 315 बोर, कुछ खोखा कारतूस और कारतूस तथा लूट से संबंधित कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद में पकड़े गए बदमाश की पहचान विनीत के रूप में हुई है जिसकी कुछ दिन पहले साहिबाबाद में हुई लूट में पुलिस तलाशी कर रही थी।